दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अर्निंग वे की कि आपको शायद पहले किसी ने नहीं बताया होगा, और बताया भी होगा तो जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से तो नहीं बताया होगा, मेरे को भरोसा है। मेनली मैं आज बात करूंगा कि जैसे आप डेली यूज के कुछ वेबसाइट और कुछ एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे बुक माई शो, आपको मूवी देखनी है तो आपको दिमाग में आएगा यार बुक माई शो से बुक कर दूँ। आपको कैब चाहिए तो ओला या ऊबर दिमाग में आएगा कि यार ओला ऊबर। आपको शॉपिंग करनी है तो फ्लिपकार्ट अमेजोन दिमाग में आएगी। आपको होटल बुक करना है तो ओयो दिमाग में आएगा। तो ऐसी कुछ वेबसाइट हैं, जैसे पिज्ज़ा मंगाना है तो बहुत सारे ऐसे पिज्ज़ा भी डिलीवर कराते हैं, ये और ऐसी चीज़ आपके दिमाग में आती हैं कि यहाँ से बुक कर दें यहाँ से बुक कर दें। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि इन्हीं से आप पैसा कमा सको? क्या ऐसा हो सकता है अमेजन से आप पैसा कमा सको, फ्लिपकार्ट से पैसा कमा सको, ओला से कमा सको, ऊबर से कमा सको, और बुक माई शो से कमा सको, फ्लिपकार्ट से कमा सको? तो ऐसा कुछ हो सकता है, वो भी घर बैठे। तो ऐसा हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा होगा तो कैसे होगा। और आपको आगे से मेरे को ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर पैसे कैसे कमाएं। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और इस वीडियो में हमने क्या प्लान बताया है, क्या प्रोसेस बताया है, पूरा फ्री है, एक रुपये भी आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि देखो इतनी मैं मेहनत करता हूँ तो आपका एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं इसमें बताने वाला हूँ कि जैसे डेली यूज की वेबसाइट है और एप्लीकेशन है, ओला ऊबर बुक माई शो और ओयो रूम्स, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं या वेबसाइट हैं, उनको आप एक एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और प्लस इनकी सेल पर, जैसे आपने एप्लीकेशन बना दिया और आपके एप्लीकेशन को वही डाउनलोड करके इनसे कुछ भी खरीदता है, इनकी सर्विस खरीदता है, होटल बुक करता है, ओला बुक करता है, तो उस पर आपको कैसे कमीशन मिलेगा, और उस एप्लीकेशन को दूसरे लोग इसलिए डाउनलोड करेंगे कि उन्हें अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ते हैं, ओला का अलग, ऊबर का अलग, बुक माई शो का अलग, हर चीज़ के अलग अलग। अब आपका खुद का एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जो कि एक ही एप्लीकेशन में सारी वेबसाइट्स जो ओला ऊबर वगैरह सब हैं एक ही में आ जाएंगी, और उसमें वो एक ही में आ जाएगी। पहली चीज़ तो यही फ़ायदा है कि वो एक ही में आ रही है। दूसरा उससे ये भी फायदा है कि एक में आने के बावजूद अगर उससे कोई खरीदता है तो उसमें हर चीज़ में कमीशन आपका होगा। अमेजोन से खरीदेगा तो भी आपका होगा, फ्लिपकार्ट से खरीदेगा तो भी आपका कमीशन है, ओला बुक करेगा तो भी आपका कमीशन है, ऊबर बुक करेगा तो भी आपका कमीशन है, कुछ भी करे उसमें से कुछ भी खरीदारी करे, कुछ भी शो बुक करे तो भी आपका कमीशन है। तो हर चीज़ का आपको कमीशन मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि कैसे आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मैं बंद करता हूँ, चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कैसे ये काम करेगा। चलिए तो मैं ये पहले इनको हटा देता हूँ, उसके बाद आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हटा देता हूँ कि कैसे आपको पूरा प्लान समझना है। अच्छे से आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्यूलिंक्स नाम की वेबसाइट है .com, इसको ओपन करना है, ठीक है। इस पे आपको अकाउंट बनाना है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन पूरे प्रोसेस को समझना आप, उसके बाद कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही कमेंट कर देते हैं। मैं लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं सबसे पहले ऐसी आपके सामने वेबसाइट ये खुल के आएगी। जब आप क्यू लिंक्स पे ओके करोगे तो आपको साइन अप पे ओके करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे दूंगा। आपको फर्स्ट नाम देना है, लास्ट नाम देना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, कंपनी नेम कुछ भी डाल सकते हो जो आप चाहो, डोमेन नेम ये मांगता है। तो आपको डोमेन नेम कैसे लेना है, आपको गूगल में सर्च करना है blogspot.com। मैंने आपको बनाना बता दिया कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और अपनी ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना है, ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना है, मैंने भी कर लिया। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा नीचे की साइड में, यहाँ क्रिएट ब्लॉग, कहीं पे भी दिखे क्रिएट ब्लॉग पे आप ओके करके कुछ भी नाम से अपना खुद का एक वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हैं। कि चलो मैं दे देता हूँ यहाँ पे नाम रोहित, कुछ भी नाम आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं, पंडित रोहित शर्मा जी, चलो ये नाम हमने दे दिया। टाइटल में भी वही नाम दे दीजिए, पंडित PANDIT रोहित
शर्मा जी, और उसके बाद क्रिएट ब्लॉग पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप क्रिएट ब्लॉग पे ओके करोगे, आपका ये वेबसाइट या यूआरएल बनके तैयार हो जाएगा। व्यू ब्लॉग पे आपको ओके करना है, इसे हटा दीजिए, नो थैंक्स कर दीजिए, और व्यू ब्लॉग पे आपको ओके करना है। देखो ये ऊपर यूआरएल दिख रहा है, https://pandit-rohit-sharma-ji.blogspot.com, इसको कर लीजिए कॉपी, कंट्रोल सी। अब जाइए क्लू लिंक्स में, क्लू लिंक्स में ये डोमेन नेम पूछ रहा है ना, डोमेन यूआरएल, उसको पेस्ट कर दीजिए, इसको जो आपने अभी बनाया है pandit-rohit-sharma.blogspot.com। आप अपना कुछ भी नाम रख के अपना ब्लॉग बना सकते हैं और साइनअप कर लीजिए, आपका अकाउंट बन जाएगा। अब अकाउंट बनने के बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन के बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। तो ये तो रहा क्यू लिंक्स का आपका अकाउंट बनाने का मैटर। अब बात करते हैं आगे क्या आपको काम करना है। आपको नीचे की साइड जाना है और यहाँ पे दिखेगा कंपनी एक्सप्लोर, इस पर ओके करोगे, कैंपियन एक्सप्लोर व्यू ऑल कैंपियंस, इसमें ओके करोगे। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट दिख जाएंगी जो आपने देख जाएंगी, अमेजोन है, अली एक्सप्रेस है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें गूगल में डालना है हेल्पर, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, cloudburn.blogspot.com। ये आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद ये आ रहा है डेली यूज एप्लीकेशन और वेबसाइट से पैसे कैसे कमाएं, उस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की साइड में जाना है और यहाँ पे एक डाउनलोड का लिंक दिखेगा, उस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ये एक वेबसाइट पर आपको ट्रांसफर कर रहा है, उस वेबसाइट पर आप जाने के बाद गेट इट पे ओके करिए। ये एक AIA फाइल है, नेम अपना नाम दे दीजिए, मैं दे देता हूँ जैसे रोहित, ईमेल आईडी दे दीजिए, आप कुछ भी जो भी देना चाहें, तो मैं दे देता हूँ helperclub@gmail.com, ठीक है। और उसके बाद फ़ोन नंबर आपको देना है, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। अब उसके बाद क्लेम फॉर फ्री पे ओके करना है आपको, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड का लिंक दिख जाएगा आपको, ये डाउनलोड, और डाउनलोड आपको कर लेना है, ठीक है। अब मैं ये डाउनलोड पे ओके कर देता हूँ, देखो ये sharma1.aia फाइल डाउनलोड हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको गूगल में जाना है और डालना है app.thunkable.com, यही साइट सर्च करनी है आपको इसलिए, और आपको कोई और साइट सर्च नहीं करनी। क्रिएट न्यू ऐप, आप अपने एप्लीकेशन का जो नाम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, आप जो चाहें वो दे सकते हैं, डेली यूज ऐप, मैं कुछ भी दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके कर दीजिए इतना करके, फिर इस पर ओके कर लीजिए, डेली यूज ऐप लिखा है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है ऐप्स में, तीसरे नंबर पे देखिएगा आपको अपलोड ऐप प्रोजेक्ट AIA फ्रॉम कंप्यूटर, चूज फाइल पे ओके करना है। डाउनलोड किया है अभी हमने फाइल शर्मा के नाम से, है शर्मा AIA, ओपन करते हैं इसे और ओके करते हैं। देखो कभी कभी ये फाइल ऐसे अपलोड नहीं होती, तो आपको क्या करना है, नाम चेंज कर देना है, क्योंकि ये फाइल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मैंने भी पहले ये यूज की है, तो एक ही नाम से अलग अलग एक ही ऐप नहीं बन सकती, इसलिए आपको नाम बदलना पड़ेगा। अब मैं डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ शर्मा। अब देखो दो फाइल हो गई हैं, इसलिए इसका रीनेम चेंज करना है। रीनेम में जाओ, मैं कुछ भी रख देता हूँ जैसे कि, ठीक है, और अब ओपन करता हूँ, रुको रुको थोड़ा, ये मैंने मोहन लाल रख दिया था नाम, तो आप जो चाहो वो रख सकते हो। अब देखो अपलोड हो जाएगी, तो नाम अजीब सा रख दो, कभी अपलोड नहीं होती है ये फाइल, तो नाम अजीब सा रख दो तो आराम से हो जाएगी, क्योंकि जो नॉर्मल नाम होते हैं वो सभी लोग ऑलरेडी यूज कर चुके होते हैं, इसलिए तो मैंने मोहन लाल रखा, तो ये अपलोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, देखो ये लोड हो चुकी है।
अब आपका मेन काम यहीं पे स्टार्ट होता है। आपकी दो चीज़ें यहाँ पे खुली रहनी चाहिए डेस्कटॉप पर। अब आपको केवल दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक तो ये थंडरबोल्ट वाली वेबसाइट खुल रही है, एक आपकी ये क्लूलिंक्स वाली खुलनी चाहिए। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको कौन कौन सी वेबसाइट इसमें ऐड करनी है, जैसे पेटीएम डेली यूज की है, बुक माई शो डेली यूज की है, स्विगी फ्लिपकार्ट होमशॉप 18 जो भी आपको ऐड करनी है। तो आपको इनके नाम कैसे चेंज करनी है, कैसे अपने लिंक लगानी है जिससे आपको एफिलिएट कमीशन मिल सके। अब बात करते हैं कि जैसे कि आप ये पेटीएम पे ओके करोगे, पेटीएम पे ओके किया तो आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा है पेटीएम, आप चाहो तो पेटीएम की जगह कुछ और नाम दे सकते हो। आप जो जो वेबसाइट ऐड करना चाह रहे हो, जैसे कि ये अमेजोन ऐड करनी है आपको, तो अमेजोन पे ओके करो और यहाँ पे जनरेट लिंक पे ओके करो और इस लिंक को शॉर्ट यूआरएल कर दो। शॉर्ट यूआरएल करने के बाद आपको नीचे ये शॉर्ट यूआरएल दिखेगा, ये रहा ये वाला, इसको कॉपी करना है और आपको क्या करना है, थंडरबोल्ट में जाना है। अगर आपको इनमें से किसी की जगह हटा के अमेजोन लिखना है तो आप कोई भी हटा दीजिए, जैसे कि मैं हटा देता हूँ बिग बास्केट को, हटा देता हूँ बिग बास्केट पे ओके करो। यहाँ टेक्स्ट में आपको डालना है हटा दे बिग बास्केट को, हटा दो अमेजोन डाल दो अमेजोन, ठीक है ये अमेजोन हमने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करना है, जिस जगह पे आपने अमेजोन डाला है तो एक चीज़ आप देख लीजिए कि अमेजोन ये बटन 3 दिख रहा है, कि ऊपर से गिनोगी भी फिर भी तीसरे नंबर पर दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा ये ऊपर की साइड जाना है, स्क्रीन पे जाना है, स्क्रीन पे जाके जो चीज़ तीसरे नंबर पे वो स्क्रीन 4 ओपन करना है। अगर आपको स्क्रीन 2 बटन 2 चेंज करना है तो स्क्रीन 3 ओपन करनी पड़ेगी, मतलब एक स्क्रीन ज़्यादा। जो बटन फर्स्ट ओपन करना है, जैसे पेटीएम लिखा है, पेटीएम में कुछ अपडेट करना होगा तो स्क्रीन 2 ओपन करनी पड़ेगी क्योंकि पहले नंबर पर पेटीएम है। तो हम स्क्रीन 4 ओपन करते हैं, वेब व्यू पे ओके करते हैं और इस होम यूआरएल को हटाकर आप ये वाला डाल दीजिए। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें चेंजिंग करनी है, ठीक है। जैसे स्क्रीन फर्स्ट पे तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, तो पेटीएम है, जैसे पेटीएम में तो मेरा लिंक डला हुआ है स्क्रीन फर्स्ट में जो पेटीएम डला है, तो ये इसका लिंक कहाँ से चेंज करोगे आप, स्क्रीन 2 से, तो स्क्रीन 2 यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ पे जाइए और उसके बाद वेब व्यू में जाइए, अपना पेटीएम का जो एफिलिएट लिंक है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। वो कैसे डालोगे, क्लू लिंक्स पे जाइए और यहाँ पे सर्च करिए पेटीएम सर्च करना है, पेटीएम मॉल आ गया, पेटीएम रिचार्ज आ गया, तो पेटीएम रिचार्ज वाला आपको ऐड करना है, तो उस पर ओके करिए। ओके करने के बाद जनरेट लिंक पे ओके करना है, शॉर्ट यूआरएल पे ओके करना है आपको। शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करने के बाद कॉपी करना है इस यूआरएल को, थंडरबोल्ट में जाना है और आपको देखना है कि आपका पेटीएम कौन से नंबर पे है। पेटीएम पहले नंबर पे है तो स्क्रीन 2 ओपन करना पड़ेगा आपको, यहाँ स्क्रीन पे ओके करिए, स्क्रीन टू पे जाके वेब व्यू में जाइए, होम यूआरएल में इस यूआरएल को उठा के अपना डाल दीजिए। और फिर से आप स्क्रीन फर्स्ट में जाइए, दूसरे नंबर पर बुक माई शो कौन से नंबर पर है, दूसरे पर, तो आपको स्क्रीन 3 ओपन करना है, 3 ओपन करो। अब यहाँ से आपको अपना बुक माई शो का यूआरएल ले लाए क्लू लिंक से, अपने खुद के यूआरएल डालने हैं आपको क्योंकि कमीशन आपको मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हम डालते हैं बुक माई शो, ये रहा देखो बुक माई शो, इस पे ओके करना है और जनरेट यूआरएल पे ओके करना है और शॉर्ट यूआरएल पे ओके करना है आपको। शॉर्ट यूआरएल पे ओके करके अपने ये यूआरएल को कॉपी कर लीजिए और थंडरबोल्ट में जाके वेब व्यू में जाइए और इस यूआरएल को पेस्ट कर दीजिए, मेरे वाले को हटाइए और अपना पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से आप स्क्रीन फर्स्ट में जाइए। अब देखो बुक माई शो भी हो गया, अमेजोन भी हमने कर लिया, स्विगी पे ओके करते हैं। स्विगी कौन से नंबर पे, 4th पे, तो हमें क्या करना है, स्क्रीन 5 ओपन करना है, एक स्क्रीन ज़्यादा पे जाया करो, 4th को ओपन कर रहे, 4th में कुछ अपडेट करना है तो 5th की स्क्रीन ओपन करनी पड़ेगी। अब हम स्विगी सर्च करेंगे यहाँ पे आके क्लू लिंक्स में, क्योंकि क्लू लिंक्स से ही तो आप अपने स्विगी का लिंक लोगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्विगी आप सर्च कर सकते हो, तो ये स्विगी आ गया, इस पर ओके करेंगे।
ओके करने के बाद आपको जनरेट यूआरएल पे ओके करना है और शॉर्ट यूआरएल करना है, और उसके बाद नीचे आके शॉर्ट यूआरएल को कॉपी करना है और थन केबल में जाके उससे वेब व्यू में जाके होम यूआरएल में पुराने वाले को उठा के अपना पेस्ट कर देना है। फिर इसे स्क्रीन फर्स्ट में जाइए। अब फ्लिपकार्ट है, ऐसे ही फ्लिपकार्ट को अपडेट कर दीजिए। फ्लिपकार्ट कौन से नंबर पे है? पांचवें नंबर पे। स्क्रीन कौन सा ओपन करना है? छठवां स्क्रीन करना है, क्योंकि पांचवें नंबर पे। तो यहाँ पे जाके वेब व्यू में जाइए और क्लू लिंक्स में जाइए। क्लू लिंक्स में आपको फ्लिपकार्ट सर्च करना है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट से यूआरएल लेके होम यूआरएल में आपको पेस्ट कर देना है। तो ऐसे कर करके आप सभी को चेंज कर दीजिए, अपने खुद के यूआरएल डाल दीजिए। अगर आप कुछ अपडेट कर रहे हो, पेटीएम की जगह कुछ और डालना चाह रहे हो, तो पेटीएम पे ओके करिए और नीचे आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा, इसे हटा के आप कुछ और डाल दीजिए। पेटीएम की जगह अमेजोन डालना है या कुछ और डालना है तो वो डाल दीजिए। और डालने के बाद आप फर्स्ट स्क्रीन पे, तो इसमें सेकंड स्क्रीन पे जाके होम यूआरएल में इसे चेंज कर दीजिए, अपना जो भी डालना चाह रहे हो। जैसे अगर अमेजोन डाला है पहली पे, तो सेकंड स्क्रीन में यूआरएल में अमेजोन का यूआरएल दे दीजिए। तो इतना सा बस आपको करना है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन बनके हो जाएगा तैयार। आपको ये क्या करना है, एक्सपोर्ट पे ओके करना है। ऐप सेव एपीके टू माई कंप्यूटर, इसको ऐप को अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए और फिर अपने फ़ोन में ले लीजिए और देख लीजिए कि आपका एप्लीकेशन कैसा काम कर रहा है। एप्लीकेशन अच्छा काम कर रहा है तो मेरी उस वीडियो को देख लीजिए कि एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में कैसे डालते हैं। उसके बाद प्ले स्टोर में आप डाल दीजिए, वहाँ से लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद कुछ भी खरीदारी करेंगे, चाहे अमेजोन से चाहे फ्लिपकार्ट से, जो जो वेबसाइट आपने ऐड करके रखी है, यहाँ पे हजारों वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। तो आप जितनी भी वेबसाइट ऐड कर रहे हो, उतनी सभी वेबसाइट से कुछ भी खरीदा जाएगा तो आपको कमीशन उसका मिलेगा। चलिए, तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए। और बस यहाँ पे इसे ख़त्म करता हूँ, और स्टार्टिंग में मैंने आपको डेमो दिखाई दिया था कि एप्लीकेशन कैसा बना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का मैं लिंक भी दे दूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।